नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व भारती। मैं घनश्याम मुलानी आपका विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही अजीब प्रकार की जानकारी है, अजीब तरीके की जानकारी आई है। ये एक जानकारी ये आई है कि आने वाले 5 जून 2022 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसे मनसे भी कहा जाता है शॉर्ट में, उनके अध्यक्ष श्री राज ठाकरे जी का जो दौरा पिछले 20-25 दिनों से आवाज लगाई जा रही थी कि ये अयोध्या जाने वाले हैं 5 जून 2022 को, लेकिन आज ही सुबह, यानी आज 20 तारीख है, शुक्रवार का दिन है, 20 मई 2022, आज सुबह सुबह ये खबर आई कि राज ठाकरे जी का जो दौरा है वो रद्द नहीं, स्थगित किया गया है। अब स्थगित क्यों किया गया है, क्या कारण है उसके पीछे, क्या उनकी कारणों में सेहत एक वजह है कि उनकी सेहत में कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम है, सेहत खराब है या क्या, ये तो वो आने वाले यानी परसों 22 मई 2022 को अपने पुणे में जो उनकी सभा है, गणेश क्रीड़ा कला मंदिर, जो उनका जो हॉल वहां पर बुक है, गणेश क्रीड़ा कला मंच, वहां से तो वो जानकारियां देंगे ही, लेकिन ये स्थगित क्यों हुई, नहीं हुई, और ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी, इस पर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि ये राज ठाकरे जी ये अयोध्या तो पक्का जाएंगे, इन्होंने स्थगित किया है, यानी हो सकता है कि 5 तारीख के पहले जाए या 5 तारीख के बाद में जाए, वो एक विषय अलग है। और आपको ये भी एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि हिंदुत्व से उन्होंने कोई नाता नहीं तोड़ा है, जिस तरह की सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हो रही है, यानी आज ही सुबह ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो चिटनीस है, यानी सेक्रेटरी सचिव, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये वही है जो एक नगर सेवक के साथ फरार बताए जा रहे थे, फरार नहीं, वो भूमिगत थे, यानी अंडरग्राउंड थे। अब आप बताइए, भावना गवली जो कि एक सांसद है शिवसेना की, वो ईडी से भागती फिर रही है, तो क्या उन्हें फरार कहा जाना चाहिए? वो अंडरग्राउंड है, लेकिन वहां की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार, और ये जो सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी है, इसके अजीबोगरीब नेता, ये कुछ भी मन में आता है बक देते हैं, पुलिस से करवा लेते हैं, इस तरह की परिस्थिति है। इस तरह का आरोप ये स्वतः संदीप देशपांडे लगा रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे जब ये पूछा गया कि श्रीमान राज ठाकरे जी ने ये जो दौरा है ये स्थगित किया है, रद्द किया है, क्या है, उन्होंने कहा कि उसका स्पष्टीकरण वो खुद देने वाले हैं आने वाले 22 मई 2022 को। खैर, आपको बता दें कि ये विषय बहुत ही सीधा और सिंपल है, और वही हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या है कि ये जो पूरे विषय के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि सांसद है, जो चैलेंज कर रहे हैं राज ठाकरे जी को कि आप अयोध्या में पैर रख के दिखाइए, हम 5 लाख लोग जमा हो जाएंगे, ये वो, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट क्यों है, आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। देखिए, दोनों तरफ से विचार करना चाहिए। एक और, अगर हिंदुत्व का जो पूरा ग्राउंड है वो राज ठाकरे जी कवर कर जाएंगे महाराष्ट्र में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बचेगा, बाबा जी का टुलू? एक तो ये बात है, दूसरी तो वो अब उनके कुछ एक ही विधायक है महाराष्ट्र में, यानी उनके लिए कोई इतना आसान नहीं है कि पूरे फुल फ्लेश तरीके से अपने विधायक लाना या बहुमत लाना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तो उनको मदद लगेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि उसी तरीके से ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि सांसद हैं या पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने, ये सेल्फ स्टाइल्ड इंसान है, सेल्फ स्टाइल्ड नेता है, इन्होंने अपने तरीके से राज ठाकरे जी की पब्लिसिटी कर दी। रहेगी माफी की बात, उसकी भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरह से ये माफी का क्या मसला है और ये कैसे सॉल्व होगा, ये किस तरह से ये मामला खत्म होने की संभावना है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये पूरे प्रकरण के अंदर, ये पूरे जो किस्सा बनाया गया है, इसमें आज सुबह ये जानकारी बाहर आने के बाद कि राज ठाकरे जी का दौरा जो है वो स्थगित हो चुका है, ये जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश के ब्रिजभूषण जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने कह दिया कि हमारा जो दौरा है वो तो शुरू रहेगा 5 तारीख को, हम मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाएंगे। अब देखिए, ये जो महत्वपूर्ण बात थी, ये अब तक आपसे छुपाई गई थी कि 5 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है,
दूसरी बात आपको और बता दें कि ये पूरा जिस तरह से ये पूरा इमेज बनाया गया, सीन बनाया गया है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई होशियार दिमाग होगा। माफी मांगना तो राज ठाकरे जी के लिए एक मामूली बात है। ये जो सांसद हैं ब्रिजभूषण सिंह जी, ये क्या कह रहे थे कि इस जगह अगर शरद पवार होते तो अब तक 5 बार माफी मांग चुके होते। उनके कहने का मतलब क्या है कि क्या शरद पवार को जब जरूरत पड़ती है किसी चीज की, कहीं काम अटकता है तो वो रंग बदल देते हैं? आप समझ लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हो मेरे ख्याल से आप, ये उनका कहने का इरादा था। देखिए जहां तक माफी मांगने का सवाल है, तो राज ठाकरे जी ने जो कुछ 2008 में महाराष्ट्र में किया, मुंबई में किया, उत्तर भारतीयों के साथ जो पिटाई हुई, इस विषय में स्पष्टीकरण वो कई बार दे चुके हैं कि महाराष्ट्र और मराठी माणूस की एक अपनी अस्मिता है महाराष्ट्र की। और अगर जो नौकरियां मुंबई और महाराष्ट्र में उपलब्ध हैं उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट, जो इश्तेहार केंद्र सरकार ने उस समय, केंद्र सरकार की स्थिति यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की केंद्र सरकार थी, यूपीए की केंद्र सरकार थी, तो इन्होंने क्या किया था उस समय, इन्होंने जो महाराष्ट्र में वैकेंसीज हैं, जहां पर जॉब पे लगाने की वैकेंसीज हैं, नौकरी देने की जो जगहें खाली है महाराष्ट्र की, उसके जो इश्तेहार हैं, ऐड हैं, वो सिर्फ उत्तर भारत में छपवाए, यानी बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, और वो सभी लोग वहां पहुंच गए मुलाकात देने के लिए। तो यहां के जो भूमि पुत्र हैं, यानी महाराष्ट्र के जो भूमि पुत्र हैं, उनके हित के लिए राज ठाकरे खड़े हुए। उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दे चुके हैं अपने कई सारे भाषणों में कि हमारा उत्तर भारतीयों से कोई बैर नहीं है। जब ये मंचे के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इन उत्तर भारतीयों से बात करने गए, जिस टाइम से, जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि मारपीट होना शुरू हो गई। राज ठाकरे जी ने यह तक अपने कई सारे भाषणों में कहा है कि अगर हम वहां पर आके इस तरह की भाषा का उपयोग आपके साथ करें तो आपको भी कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, यानी आपको भी वो गलत लगेगा, आपकी इंसल्ट की फीलिंग आपको होगी, आपका अपमान हुआ, इस तरह से आपको बुरी तरह से फीलिंग आएगी। तो कहने का मतलब यह है, आज उत्तर भारतीयों की, यानी बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, इनकी खुद की जो अस्मिता है अपने प्रदेश की या उत्तर भारत की अस्मिता का जो सवाल आज ब्रिजभूषण सिंह जी ने खड़ा करके रखा है, वो भी कभी कहते हैं राज ठाकरे जी के लिए कि आइए या तो हमारे से माफी मांगिए, या उत्तर भारतीयों से माफी मांगिए, या साधु संतों से माफी मांगिए, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांगिए। अब देखिए ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि माफी किससे मांगनी है। इसका जवाब बहुत ही सीधा और सिंपल है राज ठाकरे जी के लिए। वो तो सीधा एक बयान भी अगर दे दें कि भाई अगर माफी ही मांगनी है, एक तो हमने कुछ जानबूझ के किया नहीं, हमारा तो रिएक्शन था, दूसरी बात हमने महाराष्ट्र की जो भूमि पुत्र हैं उनकी अस्मिता का रक्षण करने के लिए, उनके भविष्य का रक्षण करने के लिए हमें ये सब करने पे आप ही ने मजबूर किया, क्योंकि अगर आप सीधे से चले जाते तो अच्छी बात होती, आपने उल्टा जवाब दिया जिस वजह से ये मारपीट शुरू हुई। और अगर इसके अंदर कुछ गलत हुआ भी है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या इस पृथ्वी पर कोई भी बड़ा नेता हो, वो प्रभु राम जी के जितना बड़ा नहीं हुआ है, भगवान राम जी सबसे बड़े हैं। और अगर हमने माफी मांगनी होगी तो हम अयोध्या आकर के प्रभु श्री राम से, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी से, सीता माता से माफी मांगेंगे, हम किसी इंसान से क्यों और किस वजह से माफी मांगे। इस तरह का बहुत ही सीधा और सिंपल जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन वो अब तक किस इंतजार में है ये पता नहीं, लेकिन ये माफी मांगने के लिए उन्हें अयोध्या आना पड़ेगा, इस भाष्य, इस तरह की भाषा करने के बाद, इस तरह का वक्तव्य करने के बाद, और उन्हें आने देने के लिए व्यवस्था यही ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार तो वैसे भी तैयार है उन्हें रिसीव करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए, ये एक मसला अलग है, लेकिन सारे उत्तर भारतीय लोग जब भगवान रामचंद्र जी को अपना प्रभु श्री राम मानते हैं, तो उसी तरह से उन्हीं, उनके प्रभु श्री राम, जो कि मराठी लोगों के भी प्रभु श्री राम है, उनसे अगर कोई माफी मांगने आना चाहता है तो क्या वो उसे रोक पाएंगे या उन्होंने रोकना चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ये राजनीति है जिस तरीके से ये चल रही है, ये बड़ा अजीब और गरीब तरीका है, लेकिन ये सारी जो जानकारियां आपके सामने हमने रखी, उसका कारण था कि कई सारे हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने मांग की थी, हमारे से फरमाइश की थी कि ये पूरा मसला क्या चल रहा है और उसका अंत किस तरह से होने की संभावना है,
इसलिए ये सारी सारी जानकारी, पूरी जानकारी आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य था। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी ये तो नीचे जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, लेकिन साथ ही साथ आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।